आपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मांडी जी ने, जो माननीय विधायक भी हैं, उन्होंने सारे विषयों को रखा है कि झारखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर का डिटेरेशन हुआ है, जेल के अंदर और जेल के बाहर जो हत्याएं हो रही है, जेल के अंदर से संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और खुद संवैधानिक के पद पर बैठा हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी जो है संविधान की संस्थाओं का अनादर कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, तो एक वैधानिक और एक संवैधानिक संकट से सारा केंद्र पैदा हुई है, उसको लेकर के आप उस पर थोड़ा सा संविधान और यहाँ के संवैधानिक संकट से झारखंड को बचाइए, यही आग्रह करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। राज्यपाल से आप लोग मुलाकात किए, किन बातों का जिक्र हुआ? नहीं, महामहिम राज्यपाल से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हम लोग मिले और उन्होंने राज्य के जो हालात हैं उससे महामहिम को अवगत कराया कि कैसे यहाँ विधि व्यवस्था चौपट है, कैसे रोज मर्डर हो रहे हैं, जेल के अंदर हत्याएं हो रही हैं, पूरा झारखंड जल रहा है, धनबाद बोकारो समेत पूरा झारखंड जल रहा है। इसके अलावा उन्होंने ध्यान आकर्षित कराया कि संवैधानिक पद पर रहकर मुख्यमंत्री 6-6 बार नोटिस दिया गया ईडी के द्वारा, लेकिन वो हाजिर होना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, वो ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं एक संवैधानिक संस्था को, तो कहीं ना कहीं यह घोर संकट की स्थिति है, आपको इंटरवेन करना चाहिए पहल करके और ताकि एक जो खराब संदेश झारखंड की छवि पूरे देश में जा रही है उसे रोकी जा सके। नहीं, इसमें तो महामहिम राज्यपाल के समक्ष हम लोगों ने बात रखी है और जो भी आखिर आप ही समझिए, आप पत्रकार बाद में, पहले एक आम नागरिक हैं, कोई जिस व्यक्ति ने संविधान के रक्षा की शपथ ली हो, अगर आप ईमानदार हैं तो आप एक बार फेस करिए ना, आपको क्या परेशानी है, फेस करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप निर्दोष हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन अगर आप जरूर आपके मन में कहीं ना कहीं चोर है तभी आप इससे भागे भागे फिर रहे हैं। आज क्या हुआ सदन में, क्या आप कर दिए कि आपको बाहर निकाल दिया गया? देखिए, आप सब भी वहाँ पत्रकार दीर्घा में मौजूद थे, न चप्पल फेंकी गई, न जूता फेंका गया, न कुर्सी फेंकी गई, न माइक उखाड़ा गया, न बिल फाड़ा गया। अरे भाई, हम तो झारखंड के जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके हक में कार्यस्थगन लाए थे और उन्होंने नियमन दिया था कि शून्यकाल के पहले कार्यस्थगन पढ़ूंगा। मैं और भानु प्रताप शाही जी, हम दोनों तो यही कह रहे थे कि भाई आप कार्यस्थगन को पढ़ दीजिए, उन्होंने कार्यस्थगन को पढ़ना मुनासिब नहीं समझा, तब हम लोग बेल में गए। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, संविधान ने दिया कि यदि आप संतुष्ट नहीं होते हैं, आप विपक्ष के लोग हैं, तो बेल में जाकर विरोध दर्ज करा सकते हैं, तो हमने विरोध दर्ज कराया, हम लोगों को प्री जुडिस होके बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, मार्शल आउट करा दिया गया। तो मैं जानता हूं कि ये सब मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है और इससे हम घबराने वाले नहीं हैं। झारखंड के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, उनकी आवाज़ को यदि ये दबाने का काम करेंगे तो 100 बार मार्शल आउट होने के लिए विरंची और भानु तैयार है। क्या कहेंगे इसे लेकर के, क्या राज्यपाल से बात हुई? नहीं, आज हमारे नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी जी ने इस विषय पर ध्यान आकृष्ट कराया महामहिम राज्यपाल महोदय को। राज्यपाल महोदय ने कहा कि नहीं, मैं इसको गंभीरता से देखूंगा। लोकसभा में भी कुछ दिन पहले अगर देखा जाए तो 49 विधायकों को निकाला गया। देखिए, दोनों की परिस्थितियां भिन्न है। वहां पर माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी बार बार कह रहे हैं कि सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, आप सुनिए, वो सुनने को तैयार नहीं है, और यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि आप सुनाइए, वो सुनाने को तैयार नहीं है, तो दोनों परिस्थितियां भिन्न है। वहां हमारे गृह मंत्री जी सुनाना चाह रहे हैं, वो सुनना नहीं चाह रहे, वो भाग रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, हम सुनना चाहते हैं तो हमको सुनाना नहीं चाह रहे, तो दोनों जगह की परिस्थितियां भिन्न है। इसलिए कोई भी आज आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा कि हम लोगों ने ऐसा कोई हरकत किया नहीं और हम लोग मार्शल आउट हो गए। देखिए, ये जो 4 साल है इसने झारखंड को कम से कम 40 साल पीछे पहुंचा दिया है। माननीय रघुवर दास जी के समय में 2015 के जनवरी से लेकर और 19 तक जिस तरह से विकास की गाथा लिखी गई झारखंड में, मैं समझता हूं कि सब पर ब्रेक लग गया है। और एक जो सबसे दुखद पहलू है, झारखंड का मोस्ट करप्टेड स्टेट इन इंडिया की छवि बनी है झारखंड की, ये अपने आप में शर्मसार करने वाला है 3.5 करोड़ झारखंड की आबादी को। झारखंड परेशान है, करा रहा है, झारखंड लूट खंड में तब्दील है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पत्थरों की लूट हुई 4 सालों में, बालू की लूट हुई। आज तक
एक भी घाट का टेंडर नहीं हुआ। आपको याद होगा मेरे ही सवाल पर बजट सेशन में 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं 3 महीने के अंदर जीएसएमडीसी से बालू बिछवाने का काम करूंगा। आज भी बालू का अवैध धंधा जारी है। तो जहां पत्थर खजाना बालू कोयला हर चीज की लूट लूट लूटम लूट मची है। 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट इस सरकार के दौरान हुई है झारखंड में। अगर मैं तो कहता हूं कि इसकी सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुख्यमंत्री समेत सारे के सारे मंत्री जेल के सलाखों में चक्की पीसते नजर आएंगे।